हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इवेल्युएशन ऑफ मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन स्टडी करेंगे। थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नीड ऑफ मॉड्यूलेशन और एप्लीकेशन ऑफ मॉड्यूलेशन डिस्कस किया था। चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है इवेल्युएशन ऑफ मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन। इसमें हम डिफरेंट तरह के टेक्नोलॉजीज स्टडी करेंगे, जिसे हम जनरेशन के फॉर्म में स्टडी करेंगे। जैसे कि पहले 1G आया, जी स्टैंड्स फॉर जनरेशन, 1G आया, उसके बाद 2G, 3G एंड सो ऑन। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं 1G, यानी कि फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन जो टेक्नोलॉजी है, ये एनालॉग फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन का यूज़ करती थी, और ये स्पीच ट्रांसमिशन में एनालॉग फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन यूज़ करती थी, जिसमें स्पेक्ट्रम वॉज डिवाइडेड फॉर मल्टीपल यूजर्स यूजिंग ए टेक्निक कॉल्ड एज FDMA। FDMA मतलब फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। एवरी यूजर इज प्रोवाइडेड ए फ्रिक्वेंसी बैंड फॉर ट्रांसमिशन। ओके, यहाँ पे ये स्पेक्ट्रम डिवाइड होता था मल्टीपल यूज़र के लिए, इसीलिए इसे हम फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस कहते थे। इसमें काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस थी, जैसे कि इट वॉज एनालॉग, सो डिफ़िकल्ट टू प्रोटेक्ट द यूज़र इन्फॉर्मेशन। मतलब इसमें यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन थी, उसे प्रोटेक्ट करना एक डिफ़िकल्ट टास्क था। तो हम ये कह सकते हैं कि सिक्योरिटी इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। तो ये 1G यानी कि फर्स्ट जनरेशन की डिसएडवांटेज है। और दूसरा, इन FDMA एवरी यूज़र यूज सिंगल फ्रिक्वेंसी बैंड। FDMA टेक्नोलॉजी जो होती है, उसमें हर यूज़र सिर्फ एक ही सिंगल फ्रिक्वेंसी बैंड का यूज़ करता है फॉर ट्रांसमिशन। इफ़ यूज़र नॉट यूज फ्रिक्वेंसी बैंड देन इट इज़ वेस्ट। अगर वो यूज़र उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी बैंड का यूज़ नहीं करता, तो वो उस टाइम वेस्ट होता है। हैंस स्पेक्ट्रम इनएफिशेंसी सी, तो स्पेक्ट्रम इनएफिशेंसी वहाँ दिखाई देती है। इस टेक्नोलॉजी में, इस जनरेशन में काफ़ी सारे वेरियस स्टैंडर्ड्स यूज़ किए गए, जिसका जैसे कि NTT, NMT, ETACS, AMPS। इनकी फुल फॉर्म आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, 5 to 10 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। सीधा थ्योरेटिकल है, तो उतना ही बताना है जितना यहाँ बताया जा रहा है AKTU सिलेबस में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला। फर्स्ट जी आपने देखा कि एनालॉग टेक्नोलॉजी थी, तो ये तो सुपीरियर थी नहीं। तो इसके बाद सेकेंड जनरेशन आया। सेकेंड जनरेशन में डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक का यूज़ किया गया फॉर ट्रांसमिशन। फर्स्ट जनरेशन में एनालॉग का यूज़ किया था, सेकेंड जनरेशन में डिजिटल मॉड्यूलेशन का यूज़ किया फॉर ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस मैसेजेस। स्पेक्ट्रम इज डिवाइडेड अमंग मैनी यूजर्स यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड CDMA एंड TDMA। मतलब फर्स्ट जनरेशन में हमने FDMA यूज़ किया था, सेकेंड जनरेशन में हमने CDMA और TDMA यूज़ किया। आप लोगों में से कुछ लोग जानते होंगे कि CDMA उस टाइम रिलायंस में यूज़ की जा रही थी। TDMA क्या होता है? इन TDMA यानी कि टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, एवरी यूज़र सेंडिंग अ मैसेज और वॉइस इन टाइम स्लॉट्स। हर यूज़र मैसेज या वॉइस को सेंड करता है टाइम स्लॉट्स में। और इन CDMA, CDMA मीन्स कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, एवरी यूज़र इज़ डिवाइडेड इन द फ्रिक्वेंसी यूजिंग अ स्पेसिफिक कोड। यहाँ हर यूज़र को एक स्पेसिफिक कोड दिया जाता है, इसीलिए इसका नाम कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस है। अब डिजिटल मॉड्यूलेशन मीन्स कन्वर्टिंग अ वॉइस सिग्नल इनटू अ डिजिटल सिग्नल। डिजिटल मॉड्यूलेशन में जो हम लोग बोल रहे हैं वॉइस सिग्नल, इसे डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। डिजिटल सिग्नल इज़ अ बाइनरी सीक्वेंस ऑफ वंस एंड जीरोस। आप लोगों को पता है कि डिजिटल सिग्नल वो होता है जो बाइनरी फॉर्म में होता है, यानी कि इस वन और ज़ीरो में। बिकॉज ऑफ सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल सिग्नल, एनकोडिंग अ सिग्नल इज पॉसिबल। जब हम इसे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो डिजिटल सिग्नल में एनकोडिंग करना ईजी हो जाता है, मतलब एक कोड देना आसान हो जाता है, इज पॉसिबल। एंड हैंस द मैसेज वॉज एनकोडेड इन वेरियस टेक्निक्स टू प्रोवाइड सिक्योरिटी। और जब हम एनकोडिंग कर देते हैं, तो इसमें सिक्योरिटी भी अच्छी हो जाती है, जो कि यहाँ डिसएडवांटेज थी वो यहाँ रिमूव हो जाती है। इसमें वेरियस स्टैंडर्ड्स यूज़ किए गए, फर्स्ट GSM, सेकेंड IS 136, थर्ड PDC, फोर्थ 2G CDMA और इंटरिम स्टैंडर्ड 95, यानी कि IS 95 यूजेस CDMA। इसमें भी कुछ डिसएडवांटेजेस थी, फर्स्ट वेरी स्मॉल डेटा रेट इसमें बहुत कम था। यूज टू सेंड टेक्स्ट मैसेजेस
डेटा रेट इज़ ओनली 10 kbps, सिर्फ 10 kbps का ही डेटा हम यूज़ कर सकते थे। सेकेंड डिसएडवांटेज थी फॉर वेब एप्लीकेशंस लाइक ब्राउजिंग द इंटरनेट एंड मेलिंग। वेब एप्लीकेशंस ये इजीली नहीं यूज़ कर सकते थे हम इसमें, क्योंकि उसमें हाई डेटा चाहिए होता है, हाई डेटा रिक्वायर, बट ये तो हमें सिर्फ 10 kbps डेटा देता है, इसलिए ब्राउजिंग करना, इंटरनेट और मेलिंग करना थोड़ा इसमें डिफ़िकल्ट टास्क था। तो इसके बाद आया 2.5G, यानी कि जिसमें हम यूज़ करते हैं 2G एज वेल एज 3G टेक्नोलॉजी, मतलब इसमें 2G भी यूज़ करते थे हम और 3G भी यूज़ करते थे। इसमें कुछ स्टैंडर्ड थे, वेरियस स्टैंडर्ड्स यूज़, फर्स्ट HSCSD, सेकेंड GPRS, थर्ड EDGE जिसे एज कहते हैं, फोर्थ IS-95B फॉर 2.5G CDMA। इसके बाद आई 3G यानी कि थर्ड जनरेशन, एज यूज़र्स डिमांड्स, जैसे जैसे यूज़र्स की डिमांड इंक्रीज़ होने लगी, लाइक लाइव म्यूज़िक चाहने लगे यूज़र्स, इंटरेक्टिव वेब सेशंस होने लगे लाइक कॉन्फ्रेंस विद मल्टीपल यूज़र्स इंक्रीजेज, हेंस ITU डिसाइडेड, तो ITU ने डिसाइड करा 2000 MHz जो कि ग्लोबल फ्रिक्वेंसी है, टू बी यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। हेंस IMT 2000 डेवलप्ड हेयर, GSM IS-136, PDC, WCDMA ऑल्सो नोन UMTS, मतलब जो जब हमें लाइव म्यूज़िक की ज़रूरत पड़ी या फिर हमें कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत पड़ी तो हमने थर्ड जनरेशन का यूज़ किया। इसके बाद हम इसमें देख सकते हैं IMT 2000 विजन, कॉमन स्पेक्ट्रम वर्ल्ड वाइड, वाइड रेंज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, वॉइस डेटा मल्टीमीडिया इंटरनेट, डेटा रेट अप टू 2 Mbps, ग्लोबल सीमलेस रोमिंग, एनहेंस्ड सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस, ये सब इसमें पॉसिबल हो पाया। इसके बाद हमारे पास 4G आया, देन 5G आया, तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हमारे पास आती गई, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। देन आता है 4G। 4G टेक्नोलॉजी क्या है? इसमें ये फोर्थ जनरेशन की टेक्नोलॉजी है। इट ऑफर्स अ मच इम्प्रूव्ड डाउनलोडिंग रेट ऑफ अप टू 100 Mbps, मतलब इसमें हम 100 Mbps तक का डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। इट गिव्स सेम एडवांटेज एज 3G, जो 3G में एडवांटेज थी वो सेम इसमें है, बट ऑल्सो इंक्लूड मल्टीमीडिया न्यूज़पेपर्स, और साथ साथ ये मल्टीमीडिया न्यूज़पेपर्स भी इंक्लूड करती है, वॉचिंग TV प्रोग्राम्स ओनली यूजिंग सर्विसेज सच एज नेटफ्लिक्स हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप लोग आजकल देख ही रहे हैं। LTE इज कंसिडर्ड ए 4G इनोवेशन। फिर इसके बाद आया 5G। इट रेफर्स टू 5th generation। 5G जो है वो 5th generation कहलाई आपकी। दी राउटर एंड स्विच इनोवेशन यूटिलाइज एज ए पार्ट ऑफ 5G डिप्लॉयमेंट गिव्स एन एक्सट्रीमली पावरफुल हाई स्पीड नेटवर्क। आइए इन सब के बारे में थोड़ा सा हम इसमें कंपैरिजन देख लेते हैं कि किस तरह से इन सारे टेक्नोलॉजीज़ में कंपैरिजन किया गया है 1G, 2G एंड 3G में। कंपैरिजन में यहाँ पे हम 1G, 2G, 2.5G और 3G का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग टाइम की अगर बात करें तो 1G 1985 में आया, 2G 1992 में, 2.5G 1995, 3G 2002 में। अगर हम ड्रिवन टेक्निक की बात करें तो 1G में हमने एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग यूज़ किया, 2G में डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, 2.5G में पैकेट स्विचिंग, 3G में इंटेलिजेंट सिग्नल प्रोसेसिंग। मल्टी एड्रेस टेक्निक की बात करें तो 1G में FDMA फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, 2G और 2.5G में TDMA टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस एंड CDMA कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, 3G में CDMA यानी कि कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस ड्रिवन टेक्निक्स हमने यूज़ की। अगर सेलुलर कवरेज की बात करें तो 1G कवर करता है लार्ज एरिया, 2G कवर करता है मीडियम एरिया, 2.5G कवर करता है मीडियम एरिया, 3G कवर करता है स्मॉल एरिया। अगर हम बात करें सर्विस टाइप की तो 1G हमें वॉइस मोनो सर्विस पर्सन टू पर्सन देता है, 2G और 2.5G हमें वॉइस SMS मोनो मीडिया पर्सन टू पर्सन देता है, 3G की बात करें तो ये वॉइस डेटा सब मल्टीमीडिया पर्सन टू मशीन देता है। अगर हम कोर नेटवर्क की बात करें तो 1G में टेलीकॉम नेटवर्क है, 2G में टेलीकॉम नेटवर्क है, 3G में टेलीकॉम नेटवर्क सम IP नेटवर्क है। तो हमने आज स्टडी किया इवेल्युएशन ऑफ मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा GPRS,
फिर उसके बाद GSM एंड CDMA ये टेक्निक्स हम स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास के लिए अभी इतना ही काफ़ी है, तब तक आप इसे अच्छे से स्टडी करें। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें अगर आपको पसंद आ रहा है, और कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।